हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉपर टॉक्सिसिटी डिजीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें हम बात करेंगे इसके कोर्स की, सिम्टम्स की, और इस कंडीशन में हम किस तरह से ट्रीटमेंट पेशेंट का कर सकते हैं, और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को देनी चाहिए। तो इन सभी टॉपिक पर वन बाई वन हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो अब हम जान लेते हैं इस डिजीज के बारे में। व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ कॉपर इन द बॉडी, दे आर मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर, हेडक। यानी कि बॉडी में कॉपर की जो टॉक्सिसिटी होती है वो होने पर हमारे किडनी से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि किडनी फेलियर, हेडक जैसी कई गंभीर यानी कि सीरियस कंडीशन हमें होने लगती हैं। सो ये हमने आपको बताया था इस डिजीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कोर्स की। तो इसमें सबसे पहला कोर्स क्या होता है कि बोन प्रॉब्लम्स, यानी बोन प्रॉब्लम्स की वजह से भी हमें ये हो जाता है, और वीकनेस वीकनेस की वजह से मस्कुलर किडनी फेलियर, सीरियस किडनी प्रॉब्लम्स, सेवर अब्डोमिनल पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, कलर्ड फेसिस और एक्सेसिव थर्स्ट, टेस्ट चेंज और एनोरेक्सिया प्रॉब्लम्स, मसल पेन, सडन चेंज इन मूड और सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी, फीलिंग इरिटेबल और ओवर एक्साइटेड, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटेड और हार्ट बीट स्टॉप, हमारी हार्ट बीट भी स्टॉप हो जाती है। तो ये कई सारे इसके कॉजेज होते हैं जिस कारण हमें ये हमारी जो कॉपर की टॉक्सिसिटी है बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें इसके ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले हम इसमें टैबलेट लेते हैं रेक्स, और ये रेक्स ब्रांड नेम्स आपको मार्केट में इजली मिल जाएगी। और हम बात करते हैं इसके डोज की, तो आप इस टैबलेट को एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार दे सकते हैं। और हम बात करें इसके लैटिन टर की, तो डॉक्टर लोग इसको ज़्यादातर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बीडी या टीडीएस। अगर रिक्वायरमेंट हो टीडीएस की तो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग डोज इंक्रीज कर सकते हैं, वरना 2 टाइम ही रहने दें। अब लेते हैं हम नेक्स्ट टैबलेट जिसका ब्रांड नेम है बीटा कैरोटीन, और जो कि इसके अंदर विटामिन सी एंड विटामिन ई होता है, और ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होती है और ये चेबेबल टैबलेट होती है, यानी कि ये पानी के साथ भी ले सकते हैं आप, और वैसे अपने माउथ में चबा करके भी जैसे टॉफी खाते इस तरह से खा सकते हैं। और अब बात करते हैं हम इसके डोज की, तो इस टैबलेट को ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में 2 बार दे सकते हैं, और कंटिन्यू ये टैबलेट आपको 10 डेज तक यानी कि 10 दिन तक लगातार देनी है। और लैटिन टर्म की अगर बात करें तो हम इसको एज आ ओडी दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लेते हैं एक इंजेक्शन जो जिसका ब्रांड हम आपको बता देते हैं। इसके अंदर होता है साठ सिफ्रोक्जिन, और ये स्टाफ केयर SB 1.5 ग्राम में आपको मिल जाएगा, या 2.2 ग्राम में भी आपको ये मार्केट में इजली मिल जाएगा। अगर आप बात करें हम इसके डोज की, तो आप इसको हर 8 घंटे में 1 वायल दे सकते हैं पेशेंट को IV। और लैटिन टर्म की अगर हम बात करें तो आप इसको BD भी दे सकते हैं और OD भी दे सकते हैं। और ये एक हमारा एंटीबायोटिक होता है, और ये कॉम्बिनेशन के साथ आता है हमारे सल्वेक्टम के। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कैप्सूल, और हम लेते हैं इसको एसिडिटी या गैस के लिए। इसका ब्रांड नेम है ओमेप्राजोल, जो कि 20 मिलीग्राम में मार्केट में आपको इजली मिल जाएगा, और ये गैस्ट्रो रेसिस्टेंट होता है। और हम बात करें इसके डोज की, तो आप इसको 1 दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हो एसिडिटी की या गैस की, तो आप इसको 3 बार दे सकते हैं, वरना आप इसको 2 ही बार दे सकते हैं। बात करें हम इसके लैटिन टर्म की, तो इसको डॉक्टर एज आ BD प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।